श्रीलंका की टीम को 5 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड की टीम ने रचा इतिहास तो बौखलाए पाकिस्तान के दिग्गज और भारतीय टीम के ऊपर लगाए बड़े आरोप तो महेंद्र सिंह धोनी सचिन तेंदुलकर सहवाग ने दिया ऐसा करारा जवाब जिसे सुनकर सभी रह गए हैरान। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तमाम जानकारी आखिरकार दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, कौन सी बड़ी बात हुई, कौन सा हंगामा मचा हुआ है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप के महामुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका की टीम को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा, जहां पर श्रीलंका की टीम को पहले तो 46 ओवर में ऑल आउट किया मात्र 171 रनों पर सिमेटा। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 23 ओवर में ही टारगेट को चेस कर लिया 5 विकेट के नुकसान पर और इस टीम ने दमदार तरीके से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। लेकिन इसी ऐतिहासिक जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है क्योंकि 800 को टीम ने काफ़ी बेहतरीन कर लिया, तो ऐसे में यह टीम अब सेमीफाइनल की राह में पूरी तरह से शामिल हो चुकी है। तो ऐसे में यहां पर पाकिस्तानी दिग्गज बड़े भड़कते हुए दिखे क्योंकि पाकिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल की राह से लगभग बाहर हो चुकी है। तो ऐसे में इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने टीम इंडिया के ऊपर बड़े आरोप लगाए, जहाँ पर हम बात करें इन दिग्गजों के बड़े बयानों के बारे में तो सबसे पहला बयान निकल कर आता है सानिया मिर्जा का, जहाँ पर भारतीय होते हुए भी सानिया मिर्जा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत बेईमानी करके मुकाबले को जीता, श्रीलंका की टीम को खरीद लिया क्योंकि वो टीम तो पहले से ही गरीब टीम है जिसकी वजह से उस टीम बिकी हुई थी और न्यूजीलैंड की टीम को जीतने दिया, वरना श्रीलंका की टीम दमदार टीम थी, न्यूजीलैंड की टीम को हरा सकती थी लेकिन वे जानबूझकर आउट हुए और इस मुकाबले को न्यूजीलैंड की टीम को ऐतिहासिक तरीके से जितवाया ताकि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। तो इसके साथ ही शोएब अख्तर ने भी बड़ा बयान दिया, जहां पर अख्तर ने अपने बयान में बताया कि भारत बेईमानी करके मुकाबले को जीता लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम उनके साथ मिल चुकी है और दोनों टीमों ने मिलकर श्रीलंका की टीम को खरीद लिया जिसकी वजह से वे टीम हारने पर मजबूर हो गई, या तो श्रीलंका की टीम के साथ बेईमानी हुई कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को बेईमानी से जीता और श्रीलंका की टीम को खरीदा जिसकी वजह से यह टीम पहले से ही कुछ नहीं कर सकती थी और बिकने के सिवा इस टीम के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो ऐसे में यहां पर श्रीलंका की टीम बिक कर न्यूजीलैंड की टीम को जितवा कर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा के गई ताकि पाकिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। अगर बड़े स्कोर से पाकिस्तान की टीम नहीं जीती तो न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में बनी रह सकती है, इसीलिए यहाँ पर भारत ने ही मिलकर न्यूजीलैंड की टीम का साथ दिया। तो इसके बाद यहाँ पर सहवाग और सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी ने भी करारा जवाब दिया, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बयान में बताया कि भारत अपने दम पर मुकाबले जीतता है, पाकिस्तान की टीम में दम होता तो वो भी सेमीफाइनल में कब का पहुंच चुकी होती, भारतीय टीम जो कि कब का सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर आरोप क्यों लगाए और भारत के ऊपर आरोप लगाने की क्या जरूरत जब भारतीय टीम अपने दम पर मुकाबले जीत रही है, उनके सामने तो पाकिस्तान आई या फिर न्यूजीलैंड, भारत को तो फाइनल का मुकाबला जीतना है, इन टीमों की जीत से भारत को क्या लेना देना, कोई भी टीम पहुंचे हमें क्या उससे, हम तो अपने हिसाब से अपने फाइनल का खिताब उठाएंगे। वैसे यहां पर पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती तो हमें तो और वैसे भी हम तो पाकिस्तान की टीम के लिए चाहते थे कि वे सेमीफाइनल में पहुंचे ताकि उन्हें सेमीफाइनल में ऐसी करारी हार दे कि वो भी अपनी हार को याद रखे। तो इसके बाद यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम घटिया टीम है, वैसे उनमें दम होगा तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, न्यूजीलैंड की टीम से दमदार 800 करे और अपनी जगह वो भी सेमीफाइनल में बना सकती है, हम क्यों बेईमानी करेंगे, पाकिस्तान की टीम तो वैसे ही भड़की हुई टीम है, इनके साथ अब दिग्गज भी बौखला गए हैं जिसकी वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, वरना भारतीय टीम के खिलाफ अगर एक भी आरोप अब लगाए तो पाकिस्तान की टीम को इस वर्ल्ड कप से वैसे तो बाहर हो चुकी है लेकिन अब आखिरी मुकाबला भी हम नहीं खेलने देंगे। तो दोस्तों इन दिग्गजों के बड़े बयानों के ऊपर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।